अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। अच्छा जी, आज मैं ये आपके लिए पैराफीन जो है उसके मुतल्लिक आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये हमारी जिल्द को भी बहुत तरोताज़ा और नरम नाजुक बनाती है। इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगी। और ये एक मेडिकेटेड लिक्विड है, इसको कस्टर्ड ऑयल के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये किसी भी मेडिकल स्टोर से हमें आसानी से 80 रुपीज़ की जो है वो मिल जाती है। इससे बहुत ज़्यादा जो पार्लर्स में ये यूज़ होती हैं और इसको हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपने यूज़ करके हम अपने कई जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। इसकी पहली जो है वो ये है कि अगर किसी को भी कब्ज़ हो गई है, किसी बड़े को छोटे को, तो ये एक चम्मच बच्चों के लिए टीस्पून और बड़ों के लिए बड़ा चम्मच खाने का जो ले लिया जाए तो उससे हमारा जो पेट है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और कब्ज़ का जो मसला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे हाथों पैरों को नरम मुलायम बनाता है। ये एक लिक्विड, इसका टेक्सचर जो है वो लिक्विड होता है। और ये पेडिक्योर मैनिक्योर के तौर पर भी हम इसको पहले मॉइस्चराइज़र इसको हाथों पाँवों को इससे कर सकते हैं। और ये देखिए ये लिक्विड है बिल्कुल जैसे ऑयल होता है, इस तो कोकोनट ऑयल जैसे इसका लिक्विड होता है ना, वो ये बिल्कुल जो है सेम इस तरह का होता है। ये देखिए मैंने अपने हाथ पर आपको डालकर इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। वो इसको देखिए मैं इसको अच्छे से अपने हाथों पर मलूँगी और आपको दिखाऊँगी तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है। इसके बाद इसको हम जो है अपने फेस जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई होता है सर्दियों में, उसके लिए भी आप जो है ये ऑयल जो है अपने फेस पर लगा सकते हैं, इसकी मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं आप इस ऑयल की। और ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों में इसके अंदर जो है विटामिन ई कैप्सूल डालकर हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने मेरा हाथ कितना जो है वो सॉफ्ट हो गया है। और ये जो है और भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इस तरह इसको हम ये बहुत कम पैसों में हम इसके जो है अपनी स्किन की जो केयर है वो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपके लिए जो है